ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेसलमेनिया 34 के बारे में, जो क्योंकि अब से कुछ घंटों के बाद से मेरा मतलब, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये हमें देखने को मिलेगी रात के 2:30 बजे से जब शुरू होगा किक ऑफ, और 2 घंटे के बाद हमें मेन मैचेस देखने को मिलेंगे। तो इस एपिसोड में मेरे पास है आपके लिए रेसलमेनिया 34 से जुड़ी कुछ फाइनल अपडेट, जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया 34 में होने वाले आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के बारे में। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस बैटल रॉयल के लिए कुछ नेम कन्फर्म थे, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ और नेम्स को कन्फर्म किया, जो कि हैं एलायस, ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन, आर्ट्रोज, सिंकारा, टाइटस ओनील, अपोलो, बो डैलस, कर्टिस एक्सेल एंड माइक कैनालिस। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया 34 पर होने वाली एंट्रेंस से। तो हम लोग जानते हैं रेसलमेनिया पर हमें जबरदस्त एंट्रेंस भी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने देखा था लास्ट ईयर जब ट्रिपल एच ने एंट्रेंस करी थी, वो राइड करते हुए आए थे और पीछे बैठी हुई थी स्टेफनी मैकमैन। तो एक वीडियो लीक हुई है जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेफनी मैकमैन राइड कर रही है, और वैसे ही कुछ हमें इस बार भी रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने देखा था रेसलमेनिया 33 में, या फिर शायद हो सकता है इस बार हमें स्टेफनी मैकमैन राइड करती हुई दिखाई दें और पीछे बैठे हो ट्रिपल एच। इसके अलावा स्टेफनी मैकमैन ने एक फोटो भी शेयर करी, तो मतलब कि हमें कुछ इस तरह के अटायर में स्टेफनी मैकमैन रेसलमेनिया 34 पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया 34 के फ्रेश बैटिंग आउट से। सबसे पहले बात करते हैं बैटल रॉयल की, उसमें मेंस के बैटल रॉयल की, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो सुपरस्टार ऊपर से, मतलब उनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। टॉप फोर की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बिग कैश, एलायस, समोआ जो और जिगलर। वुमेन्स के बैटल रॉयल की बात करें तो यहाँ पर टॉप फोर पर हैं साशा बैंक्स, बेली, कार्मेला एंड बैकी लिंच। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूएस चैंपियनशिप के मैच में, तो यहाँ पर चांस सबसे ज्यादा हैं रैंडी ओर्टन के, उसके बाद रूसेफ के, उसके बाद बॉबी रूट के, फिर जिंदर महाल के। मिक्स टैग टीम मैच की बात करें तो यहाँ पर कर्ट एंगल एंड रोंडा रोसी की ज्यादा चांसेस इस मैच को जीतने के। ट्रिपल थ्रेड मैच की बात करें, जो कि होगा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, यहाँ पर फिन बैलर के चांस है, उसके बाद द मिज के, और उसके बाद सेथ रॉलिंस के। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं शिंसुके नाकामुरा के। क्रूजरवेट चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पर जीतेंगे सेड्रिक अलेक्जेंडर अकॉर्डिंग टू बैटिंग आउट्स। रॉ के वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ बैटिंग आउट्स का कहना है जीत होगी नाया जैक्स की। स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ आस्का के चांसेस हैं, और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में रोमन रेंस हमें बैटिंग आउट्स के अकॉर्डिंग इस मैच को जीतते हुए दिखाई देंगे। वुमेन्स के बैटल रॉयल से जुड़ी भी आपको बड़ी अपडेट देना चाहूंगा, जैसे कि हमने देखा था रॉयल रंबल के अंदर नंबर 30 पर ट्रिश स्ट्रैटस ने अपनी एंट्रेंस करी थी और सभी को चौंका दिया था, तो इस बार भी वुमेन्स के बैटल रॉयल में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, और ट्रिश स्ट्रैटस के वुमेन्स के बैटल रॉयल में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो हमारा सेकंड चैनल भी लाइव हो चुका है, जहां पर आपको आईपीएल से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वो चैनल विजिट नहीं किया तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंडरटेकर एंड जॉन सीना के मैच की बात करें तो आप सभी लोगों को अब भी डाउट होगा कि क्या अंडरटेकर रेसलमेनिया 34 पर आने वाले हैं। तो सुबह मैंने आपको बता दिया था कि अंडरटेकर को देखा गया न्यू ऑरलियंस में, हालांकि उसमें फोटोज सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आप फोटोज भी देख सकते हैं जहां इस फोटो के अंदर हमें अंडरटेकर देखने को मिल रहे हैं। तो आई एम श्योर अब इसके बाद तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इससे बात साफ होती है कि अंडरटेकर हमें रेसलमेनिया 34 पर देखने को जरूर मिलेंगे। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं इससे पहले इसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि रेसलमेनिया 34 के लिए अब आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।